एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाव रिपोर्टिंग एक्सीडेंट डी ये स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको रिपोर्ट करना इसमें हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि जो एक्सीडेंट हुआ उसको रिपोर्ट कैसे करना है एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन शुड कलमिनेट इन अ कम्प्रीहेंसिव एक्सीडेंट रिपोर्ट जब तक कंप्रीहेंसिव एक्सीडेंट रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं होगी उस वक़्त तक उस रिपोर्ट से कोई खातर खा हा, बेनिफिट हासिल नहीं हो सकता द पर्पज़ ऑफ द रिपोर्ट इज़ टू रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन द दिकिज ऑफ द एक्सीडेंट्स इनको तलाश करना एंड रिकमेंडेशन फॉर करेक्टिव एक्शन और रिकमेंडेशन देना ताकि नेक्स्ट टाइम उस किस्म की एक्टिविटीज़ ना हों ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं नंबर वन फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सीडेंट्स नंबर टू

तो उन चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है हाउ एवर द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन दैम इज फेयरली स्टैंडर्ड जो भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी वो स्टैंडर्डाइज होगी स्टैंडर्ड का मतलब है कि कहाँ पे इवेंट हुआ कब हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ किसने किया उसकी रीजन को तलाश करें इस सब फैक्टर को देखते हुए जब आप रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तो एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट का फॉर्मेट बन जाएगा इसके साथ हम ये भी देखते हैं Regardless of the types of form used, an accident report should contain at least information needed to meet the record keeping requirements set forth by the OSHA. OSHA stands for Occupational Safety Health Administration or Association. In organizations some standards, the mutabakone organizations can particularly report ke ko follow. Karna hota hai. This information includes at least the following according to NSC National Security Council काउंसिल के हवाले से अगर देखा जाए नेशनल सेफ्टी काउंसिल के हवाले से देखा जाए यहाँ पर हम लोगों ने नैशनल सेफ्टी के हवाले से देखना है केस नंबर ऑफ द एक्सीडेंट पहला पॉइंट है जिसको हमने इम्पोर्टेंस देनी है विक्टम्स डिपार्टमेंट आज यूनिट वो जो इवेंट हुआ वो कहाँ पे हुआ किस डिपार्टमेंट में हुआ किस यूनिट में हुआ प्रोडक्शन यूनिट में हुआ मार्केटिंग यूनिट में हुआ फाइनेंस यूनिट में हुआ कहाँ पे हुआ थर्ड लोकेशन एंड डेट लोकेशन के वो ऑर्गेनाइजेशन के किस हिस्से में वो इवेंट हुआ और उस दिन डेट क्या थी एक्सीडेंट्स ऑफ डेट दैट इज इलनेस वाज फर्स्ट वस्ट पहली दफा जब वो इलनेस डायग्नोज हुई उस दिन क्या डेट थी और वो कहाँ पे लोकेशन मौजूद थी नेम वो जो victims है द पर्सन हु हैज बिन इंजर्ड उसका नेम क्या है सोशल सिक्योरिटी नंबर उस बंदे का क्या है जेंडर वेदर ही वॉज मेल और फीमेल किस एज ग्रुप से ताल्लक रखता था वैदर ही वॉज ट्वेंटी और थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड एज का जानना लाजम है क्योंकि तमाम बेनिफिट्स उसके हिसाब से बाद में उसको दिए जाते हैं होम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ये जो मालूम हैं डी स्टूडेंट्स इनका जानना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर की जा सके इसके अलावा कुछ और भी मालूम हैं जिनको हम अभी देखते हैं विक्टम्स नॉर्मल जॉब असाइनमेंट रूटीन में वो जो शख्स इंजर्ड हुआ है उसकी असाइनमेंट क्या थी क्या वो प्रोडक्शन का ही इम्प्लाई था और प्रोडक्शन में ही इंजर्ड हुआ है या किसी और डिपार्टमेंट का एम्प्लाई था और प्रोडक्शन में काम कर रहा था जॉब रोटेशन बेसिस के ऊपर ये चीज़ को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है विक्टम्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस उसका देखना कि वो जो विक्टम्स था वो टेम्प्रेरी था बंदा परमानेंट था डेली बेसिस पे था कंट्रेक्चुअल था उसकी जॉब की कैटेगरी क्या थी उसके मुताबिक उसको हेल्थ बेनिफिट्स बाद में दिए जाते हैं केस नंबर एंड नेम्स ऑफ अदर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट उस शख्स के अलावा और कितने लोग इंजर्ड हुए हैं उन सब के मुतलक जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप उनके मुतलक नहीं जानेंगे आप मुकम्मल एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते टाइप्स ऑफ इंजरी एंड बॉडी पार्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इंजरी किस किस्म की थी और जिसम का कौन सा हिस्सा है जिसको उस इंजरी ने इफ़ेक्ट किया इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ इंजरी एंड बॉडी पार्ट्स फॉर एग्जांपल बर्न टू राइट हैंड ब्रोकन बोन लोअर राइट लेग ये जितनी भी मैं एग्जांपल अभी आपको डी स्टूडेंट्स दे रहा हूँ ये एग्जाम्पल के लिए चीज़ें आपके लिए, लिए लिखी गई हैं अब देखा यह जाता है कि इंजरी हुई कहाँ पर है क्या टांग की है हाथ की है बाजू की है हेड की है, 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 है लेग्स की है फुट की है कहाँ पे इंजरी हुई है और उस चीज़ को रिपोर्ट किया जाता है रिपोर्ट के अंदर ताकि हमें मालूम हो सके कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे पेश आई नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ फिजिशियन कॉल्ड जिस बंदे को आपने कॉल किया उस बंदे की फर्स्ट एड के लिए जिस बंदे ने उसको आके देखा उसका नेम डेजिग्नेशन टेलीफोन नंबर भी रिपोर्ट का हिस्सा होगा देन नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ़ द हॉस्पिटल टू विच द विक्टम वाज टेकन जिस हॉस्पिटल में उस बंदे को भेजा गया उसका नेम टेलीफोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर इसके अलावा उसका एड्रेस मुकम्मल डिटेल आपकी रिपोर्ट का हिस्सा होगी अगर ये मुकम्मल डिटेल रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनेगी तो वो एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट नहीं होगी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें से मिस हो जाएगी रिपोर्ट को देखने वाला बंदा ये एनालाइज करेगा कि ये रिपोर्ट कम्प्रीहेंसिव नहीं है फेज ऑफ विक्ट वर्क डे वेन द एक्सीडेंट अकर्ड फॉर एग्जाम्पल बिगनिंग ऑफ शिफ्ट ड्यूरिंग ब्रेक एंड ऑफ शिफ्ट एंड सो ऑन वो इवेंट कब हुआ क्या स्टार्ट में हुआ या दरमियान में हुआ या आखिर में हुआ इसका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट में जब कोई क्लाइंट सब कोई कस्टमर आगे काम शुरू करता है जब सारी इंप्लाई काम शुरू करता है वहां पर इस बात को देखा जाता है वो जो इम्प्लाई है वो एनर्जेटिक है फिजिकली फिट है कमिटेड है और उस वक्त बहुत ज़्यादा डिवोशन से वो काम कर रहा है नॉर्मली ड्यूटी याद के लास्ट में इस चीज़ को देखा गया है कि वो जो इम्प्लाई है वो अच्छे तरीके से काम नॉर्मली नहीं कर रहा होता वो थक चुका होता है कम्पेरेटिवली एज कम्पेयर टू स्टार्ट ऑफ हिज वर्क डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट एंड हाउ इट टू प्लेस एक्सीडेंट हुआ कैसे क्या रीज़न थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइनर एक्सीडेंट्स पहले हो रहे थे हमने उनको इग्नोर किया जिसकी वजह से मेजर एक्सीडेंट हो गया इस चीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इट a स्टेप by स्टेप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग अप to the एक्सीडेंट स्टार से लेके एंड तक जो इवेंट्स हो रहे थे डेली बेसिस पे उनका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप उनको नहीं जानते तो आप लोग मेजर काजेज ऑफ एक्सीडेंट तलाश करने में नाकाम रहेंगे स्पेसिफिक टास्क एंड एक्टिविटीज विद विच द विक्ट वॉज इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट फॉर एग्जाम्पल टास्क मिक्सिंग क्लीनिंग सॉलवेंट एक्टिविटी एडिंग डिटर्जेंट टू द मिक्सचर कौन सा वो टास्क परफॉर्म कर रहा था एम्प्लाई जिस वक्त वो एक्सीडेंट हुआ अब यहाँ पे समाइम वो टास्क की नेचर इस तरह की होती है कि एक्सीडेंट हो जाता है आप लोगों का कंट्रोल उस पर नहीं होता तो वहाँ पे उस चीज़ को देखना इंश्योर करना बहुत लाजम है ताकि नेक्स्ट टाइम उस किस्म की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में ना हो इम्प्लाइज पॉस्चर अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू हिज हिस्साउंड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट इम्प्लाइज पोस्चर पोस्चर का मतलब होता है मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी कि उस वक्त एम्प्लाई की मूवमेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लाई उस वक्त को बहुत टेंस सिचुएशन में था और फिजिकली चीज़ को हैंडल कर रहा था लेकिन वो ईजी ले रहा था अगर आप रिलैक्स हैं और काम हैवी है डिफ़िकल्ट है तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग ऑन अ लेडर किसी सीढ़ी पे आप खड़े हैं लेकिन आप ईजी ले रहे हैं तो आपके नीचे घिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर आप बहुत ज्यादा कमिटेड हैं डिवोटेड हैं आपकी कंसंट्रेशन है तो वहां पे आपके घिरने के चांसेस कम होंगे सुपरविजन स्टेटस एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। आपका जो सुपरवाइजर था वो कहाँ था क्या वर्क साइट पे सीन क्राइम पे मौजूद था या ऑफिस में बैठा हुआ था या ड्यूटी शिफ्ट से ऑफ था सुपरवाइजर का स्टेटस जानना बहुत लाजम है अगर सुपरवाइजर वहाँ मौजूद था तो इसका मतलब है कि जो एम्प्लाईज है वो माम एक्टिविटीज सही तरीके से परफॉर्म कर रहा था क्योंकि वो अंडर कंट्रोल था अंडर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म था इसके अलावा ये भी देखा जाता है सम टाइम अनुसुपरवाइज कि आप काम तो कर रहे थे लेकिन आपके ऊपर सुपरविजन नहीं थी आप इजी हो जाते हैं रिलैक्स हो जाते हैं वहां पर एक्सीडेंट के चांसेज कंपेरेटिवली ज्यादा होते हैं काज ऑफ एक्सीडेंट को रिकमेंडेशन फॉर एडिशनल क्रेक्टिव एक्शन यहाँ पे ये जो तीन चार पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं इन सब का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा हो जाता है होने से पहले अगर कलेक्टिव एक्शन लिए जाते तो वो एक्सीडेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंकर्ड ना होता